आप जो भी कहेंगे मैं सर झुकाकर मान लूंगा। आप दादाश्री होने के अतिरिक्त मेरे मार्गदर्शक भी हैं और शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शक ही पहला गुरु होता है। फिर तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी वत्स। कहिए तो अपने प्राण निकाल कर आपके चरणों में रख दूं। मैं वचन देता हूं गुरु दक्षिणा में आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। नहीं बरबरिक, नहीं, वचन नहीं देना पोत्र, वचन नहीं देना। वो तो मैं दे भी चुका हूं दादाश्री। तुम इस वचन का अर्थ नहीं जानते हो पोत्र। दादाश्री, वचन का अर्थ बस एक ही होता है, जो एक बार दे दिया उसे निभाना ही धर्म है। जिस तरह धनुष से निकला हुआ वाण, मुख से निकला हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता, उसी तरह वचन देकर वापस नहीं लिया जा सकता। दादाश्री, मैं आपकी गुरुदक्षिणा देने के लिए व्याकुल हूं। हमें नहीं केशव, नहीं नहीं। कहिए दादाश्री, आप कुछ कहने जा रहे थे, आप चुप क्यों हो गए? वत्स, और तुम्हारा सर चाहिए। लो पौत्र। अपने धर्म का पालन करो। बरबरीक नहीं, महात्मा बरबरीक कहलाओगे। तुमने अपना सर देकर अपने वंश का मस्तक ऊंचा कर दिया। मछली भैया, इन्हें कुरुक्षेत्र के समीप किसी ऊंची पहाड़ी पर रखने की व्यवस्था की जाए।